सुबह का FDF है जो हमने क्रिएट किया है SRK यूनिवर्स ने, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग पूरे फैंस के साथ देखेंगे। धमाका इतना होने वाला है कि पठान से भी ये 3 गुना बढ़ने वाला है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि थिएटर में लोगों को डायलॉग सुनाई भी नहीं दे रहे थे, आपकी बात सही है, लेकिन इस बार तो मतलब मेरे ख्याल से गाने भी नहीं सुनाया देने वाले, क्योंकि फैंस का इतना होशो उल्लास से जो एक फेस्टिवल माना जाता है शाहरुख खान की मूवी को, वो क्रिएट होने वाला है कल सुबह, और ये 6 बजे गेटी गैलेक्सी बैंड्रा मुंबई में क्रिएट होने वाला है। ये पूरा थिएटर हम लोगों ने बुक किया है 6 AM का, यहाँ नहीं थाने अंधेरी जहाँ पे भी SRK यूनिवर्स, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ पे भी आप देखोगे SRK यूनिवर्स ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। इस बार 6 बजे का मुंबई में पूरा सबसे पहला शो है जो गेटी गैलेक्सी में, 6 बजे तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे शाम के सुबह के या मिडनाइट के 3 बजे के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हो इतना क्राउड आने वाला है और इतने ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है जो कि मुंबई में देखा नहीं गया होगा। में हम फैंस को सपोर्ट करना है, हमेशा से हमने सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करेंगे। हम तो यही, हमारी दिली ख्वाहिश तो यही है कि हर रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड ब्रेक हो, और हम आगे भी चाहे कि शाहरुख खान की जितनी मूवीज़ आए वो उसका खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करें। थैंक यू सो मच। ये देखो, ये हवाएं आती जाती रहती है ना, बारिश भी होने वाली है तो ये सब चीज़ें आती रहेगी। बॉयकॉट जवान बॉयकॉट, बॉयकॉट को कुछ काम धंधा है नहीं जिसके लिए बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो, लेकिन ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान बॉयकॉट को फॉयकॉट कर देंगे। तो आपको देखना होगा कि ब्लॉकबस्टर कहाँ कहाँ जाता है शाहरुख खान, जैसे पठान गया था, पठान के टाइम पर भी हमने बहुत बॉयकॉट देखे थे, लेकिन ये सब हवा में जाने वाला पानी में बहने वाला है। ये देखिए, इनको कुछ है नहीं, काम धंधा नहीं है, जो किसी से मोहब्बत नहीं करते, नफरत है, हमें नफरत ही नहीं, हम शाहरुख खान के फैंस हैं, हमें मोहब्बत है बांटनी है, मोहब्बत है फैलानी है। अ 6 AM शो एट द फेमस गेटी गैलेक्सी थिएटर इन मुंबई। शाहरुख खान्स यूनिवर्सल फैन क्लब, व्हिच इज आल्सो द सुपरस्टार्स बिगेस्ट फैन क्लब, हैज सेड दैट गेटी गैलेक्सी विल ऑर्गेनाइज 6 AM शोज फॉर जवान टुमारो। दिस डेवलपमेंट कम्स मंथ्स आफ्टर द फैन क्लब ऑर्गेनाइज्ड अ 9 AM शो फॉर पठान। Let me go straight across to Srushti, who is joining us live from Mumbai. In fact, she's joining us from the Gaiety Theatre itself, the Gaiety Galaxy Theatre as well. Srushti, it's over to you. I can already see some fans. Well, definitely, Shreya. Right now, I'm at Gaiety Galaxy, and fans are all excited. They have booked all the tickets over here, and more than 7 lakhs, as you mentioned, tickets have been booked. And here, fans have booked this particular theatre for tomorrow, for 6 a.m. show. Hello, sir. How do you see this? How excited are you? Actually, as a fan, as an SRK universe, we have created a fandom, and first day, first show tomorrow at 6 a.m. This is the first time in Mumbai we are creating this show for SRK, and we are so much excited for this. And from 3 a.m. onwards, we will be celebrating this movie, as Shahrukh Khan movies goes to be like as a festival. So we will be from 3 a.m. onwards here. So King of Apna Pathan Abhi Jawan Re! Ready to go cheer! ये जो शाहरुख खान ने ट्रेंड स्टार्ट किया है पठान से, कि मासी ऑडियंस के लिए, और अटली ने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है शाहरुख खान को कि मतलब लोगों को देखना ज़रूरी है ये मूवी, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है मूवी ने पहली बात। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके व्यूवर से कि लोग आए थिएटर में और ये मूवी को ज़रूर देखें। एक्शन प्लस मैं कहना चाहूँगा कि इमोशन जो स्टार्ट से लेकर एंड तक इमोशन से जुड़े रखा है पूरे थिएटर में शाहरुख खान ने लोगों को, कि एक्शन मतलब लग ही नहीं रहा था कि एक्शन हो रहा था, लेकिन एक्शन के पीछे वो जो इमोशन था एक, वो अटैच करके रखा था लोगों को, एंड तक का वो अटैचमेंट था लोगों के साथ। और एक्शन बोले तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, ऐसा लग नहीं रहा था कि साउथ की मूवी, ऐसा लग रहा था कुछ हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ इन लोगों ने क्रिएट किया है। कुछ ऐसे सीन्स थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सर, जब नयनतारा पहली बार आ रहे हैं, उनके पेयरिंग के बारे में क्या? उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही थी नयनतारा, वैसे तो दीपिका भी है, तो दीपिका ऑलमोस्ट तो अच्छी लगती शाहरुख के साथ, लेकिन कोई भी एक्टर, जैसे अनुष्का ने शाहरुख के साथ डेब्यू किया था तो अनुष्का भी अच्छी लगती थी, तो कोई भी एक्ट्रेस अगर शाहरुख के साथ आएगी, शाहरुख खान आपको पता है प्यारों के सरदार है, तो शाहरुख खान के साथ कोई भी एक्ट्रेस आएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और नयनतारा का केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी शाहरुख। 5 मैं तो 6 देना चाहूँगा, 5 तो आपको बहुत कम दे रहे हो, मैं तो 6 देना चाहूँगा।